स्वच्छता में 4 बार नंबर वन आने के बाद इंदौर को एक और बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। दरअसल देश में कोई भी शहर 100% सीवरेज नेटवर्क से कवर नहीं है, लेकिन इंदौर को जल्द ही यह सुविधा मिलने जा रही है, जिसका काम अंतिम दौर में चल रहा है। इंदौर स्मार्ट सिटी के तहत आज संभागायुक्त पवन शर्मा और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा मूसाखेड़ी स्थित चौधरी पार्क का दौरा किया और सूखे नालों पर वॉक किया। नगर निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि इंदौर ने पहल की है कि इंदौर के सीवरेज को पूरी तरीके से सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के पूरा गंदा पानी सीवरेज से एसटीपी तक जाए और जितने भी हमारे वाटर डैम हैं उसमें केवल मानसून का पानी ही बहे, और यह पूरी प्लानिंग वाटर प्लस को लेकर थी। आपको बता दें, इंदौर में 4 साल पहले से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। नदियों का शुद्धिकरण अभियान, क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं इसका कभी सोचा भी नहीं था, कितना सकारात्मक है। जो इंदौर ने पहल की है वो यही पहल है कि सीवरेज हमारी पूरी तरीके से सीवरेज नेटवर्क से ट्रैवल करते हुए एसटीपी तक जाए, ट्रीटेड वाटर वापस से हमारे वाटर बॉडीज़ में आए। इसके अलावा जितने भी हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनमें सिर्फ मानसून का पानी ही बहे। तो ये जो प्लानिंग थी वो वाटर प्लस को लेकर, और चूँकि इंदौर ने इसे 4 साल पहले से प्लान कर रखा है, उद्देश्य रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट था कि न सिर्फ हमारी नदियों में आने वाले आउटफॉल्स रुकें, बल्कि नदियों में जो पानी नाला कैरी करते हैं उन नाला में भी हम आने वाले सीवर को रोकें। तो अब चूँकि ये काम बिल्कुल अंतिम परिणति की ओर है अपने, हम लोग सिर्फ फिनिशिंग स्ट्रोक्स उसमें लगा रहे हैं, और अगले 2-3 दिन में आने वाले समय में ये सभी आउटफॉल्स 100% ट्रैप हो जाएंगे। कई सारे हमारे नाला स्ट्रेचेज ऐसे हैं, ऑलमोस्ट हमारा 98-99% रिवर स्ट्रेच ऐसा है जहाँ आप कोई भी मेजर आउटफॉल, कोई भी माइनर आउटफॉल आकर नहीं मिल रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि जो नाला है वो सभी सूखते हुए दिख रहे हैं और जो नदियां हैं उनमें पानी की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। तो आज की जो विजिट है, माननीय संभागायुक्त महोदय ने यही निर्देश दिए थे कि जो नाला सूखे हुए हैं उनको हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करें, जिससे लोगों का जो भागीदारी है इसमें जुड़े, जन भागीदारी जुड़ने से ये लाभ भी होगा कि आने वाले समय में उन पर इंक्रोचमेंट रोकना, उनमें कोई सॉलिड वेस्ट ना आए, उनसे लोगों को क्या लाभ हुआ है वो इस बात को समझ सकें। इसी के लिए आगे जितनी भी नगर निगम के IEC एक्टिविटीज़ हैं उसमें इस कंपोनेंट को मेजरली हम लोग टेकअप करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।